इफ यू कैन आपने देखा तो जो पेन मैनेजमेंट जो हम बात करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई एक कौन सा नया कंडीशन आ गया, कौन से इसको नया ट्रेनिंग आ गया, नए कौन सा नया ट्रीटमेंट आ गया कि जो आज तक नहीं था, अभी अचानक इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए, धरती पर जितना भी लोग हैं कुछ ना कुछ तकलीफ से रहते हैं। अभी क्या हो, हमारा देश जब हमको आज़ादी मिला था 1947 में, उस टाइम क्या हुआ था, लाइफ स्पैन था 32 to 35 ईयर्स। तो फिर भी लोग मरते थे भूख से या और कोई चीज़ से मरते थे। तो लेकिन अभी जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया हमारा देश में, 5-ईयर प्लान आ गया, उसके बाद में काफ़ी कुछ फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट इन बाय 1960 तक आने तक तो लाइफ स्पैन 54 ईयर्स तक बढ़ गया, लेकिन तब भी लोग मलेरिया, TB, फाइलेरियासिस, स्मॉल पॉक्स, ऐसे चीज़ों से लोग मरते थे। तो वो भी क्या हो, उसके लिए भी दवाई देते देते वो भी कम हो गया। तो उसके बाद 1990 तक तो लाइफ स्पैन 54 ईयर्स तक आ गया। 54 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे शुरू हो गया, लोग ज़्यादा साल जीने लगे। तो उससे क्या हुआ, तो फिर धीरे धीरे BP का कंप्लेंट, शुगर का कंप्लेंट, कैंसर का वो शुरू हो गया। तो इसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो गया। तो उसको भी झेलते झेलते करते अभी हमारा लाइफ स्पैन है 67 ईयर्स फॉर मेल और 69.5 ईयर्स फॉर वीमेन। तो एक करते करते अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अंदाज में बता रहा है कि अभी से हर साल हर एक इंसान का उम्र 3 महीने बढ़ते जाता है हर एक। तो उससे क्या होता है, लोग ज़्यादा साल जीने लगते हैं। अभी क्या, जैसे ज़्यादा साल जीना शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू होता है। क्योंकि जैसे सोचिए, अगर कोई गाड़ी है, अगर 70 साल की गाड़ी है तो उसमें तो रिपेयर होना ही पड़ता है, इधर उधर वेयर एंड टेयर हो ही जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोग ज़्यादा साल जीते हैं उनको तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द या गर्दन का दर्द ऐसे शुरू होता है। किसी को कैंसर भी हो सकता है और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। वैसे हर तरह के दर्द शुरू हो जाता है। अभी जितना भी दर्द को कंट्रोल करने के लिए अभी जो दुनिया में जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ तो एक 10-15% लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा रिलीफ देता है, और ये 10% लोगों को ऑपरेशन करके भी या सर्जरी करके भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो 70-80% लोग हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेन किलर्स को लॉन्ग टर्म देने से किडनी पे या पेट पे असर बनता है कि अल्सर बन सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो उसको बीच में क्या होता है, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट बोल के आता है। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में हम कुछ प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है, हो सकता 6 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 3 ईयर्स हो। तो ये वाला चीज़ जो है वो जो ऑलरेडी काफ़ी साल से शुरू हो चुके विदेश में, लेकिन हमारे देश में अभी अभी पैर रख रहा है। पिछले 10-15 साल से कोशिश करते करते यहाँ तक आया है। तो हमारा विरिंची हॉस्पिटल में जो टर्शियरी सेंटर है, यहाँ पे हम पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते रहते हैं, यहाँ पे रूटीनली करते रहते हैं। ये सेंटर इतना विश्वविख्यात है कि हमको नॉर्थ तेलंगाना से एक ही नहीं है, हमारे देश से एक ही नहीं कि बाहर के देशों में काफ़ी लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि लोग और भी जीने लगेंगे और लंबा जीने लगेंगे। दर्द का मतलब ये नहीं कि खाली घुटनों का दर्द या कमर का दर्द या ऐसा है, कभी कभी साइकोलॉजिकल का प्रेशर भी हो जाता है। कभी माँ बाप से बच्चे दूर हो गए तो भी वही भी एक तरह के दर्द होते हैं, उसको भी झेलना पड़ता है। तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं, हम देते हैं फिजिशियंस के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए, न्यूरो सर्जन्स के लिए, एनेस्थीशियोलॉजिस्ट के लिए, काफ़ी कुछ स्पेशलिटी के लोगों को हम ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि वो लोग कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के लोगों को सर्व करते रहेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक चीज़ हमारा विशेष ध्यान है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स MBBS जो करते रहते पास होके, जिनको सरकार बताता है कि आप 1 साल रूरल पोस्टिंग कंपलसरी करना है, गांव में जाके सर्विस करना है, आप उन बच्चों से देखिए उनको वहां जाके क्या इलाज कर सकते हैं। हाँ, कुछ इन्फेक्शन है तो कुछ खांसी है तो दवाई दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। अगर सोचिए अगर उनको और कुछ तकलीफ है जैसे वर्म इन्फेस्टेशन है तो एंटीहेलमिंट्स दे सकते हैं। और सर्जरी तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका पूरा ट्रेनिंग नहीं हुआ रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बचता है, दर्द। तो इस दर्द को कैसे झेलना, कैसे मैनेज करना, ये सब कुछ हम सिखा के भेजेंगे तो कम से कम उसका उनका हिम्मत भी बढ़ता है, हौसला भी बढ़ता है, ताकि वो दूर गांव में जाके जो भी सेवा करना चाहते हैं लोगों का भी फायदा होगा, उनका भी ट्रेनिंग हो गया तो सरकार भी खुश हो जाएगा। तो
सबके लिए फ़ायदा ही होता है। नहीं जो आप कहते हैं इसके इसे ब्रिज लाइक ब्रिज कैसे हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमको ऑपरेशन करके सर्जरी करके करना पड़ता है। बीच में जो 70-80 पर लोग रहते हैं ब्रिज में, इसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ नर्व ब्लॉक्स वगैरह देते हैं, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोल के करते हैं, कुछ क्रायो बोल के कुछ करते हैं, कोई नर्व ब्लॉक मतलब ये सब कुछ काफ़ी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हार्ट को रेगुलेट करते हैं पेसमेकर वायर डाल के, वैसे दर्द को भी रेगुलेट करते हैं कुछ वायर डाल के, उसको बाहर से स्टिमुलेट करके स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर बोलते हैं, वैसे भी उस पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे दवाई लेना पड़ता है तो काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, उनको कम डोज में दवाई देना पड़ता है, उसके लिए क्या करते हैं इंट्राथिकल पंप्स बोल के कहते हैं, एक छोटा सा पंप जैसा रहता है 20-40 ml का, उसको हम अप डाउन पॉकेट में लगा के उसको जो स्पाइनल कार्ड के नज़दीक लगा के उसमें दवाई देते रहते हैं। ये काफ़ी कुछ नए नए टेक्निक्स आए हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को ना इतना तरह के तरीके इलाज कर सकते हैं। तो इतना पूरा ये ऑप्शन हम सबको सिखाते हैं ताकि जो भी वो यूज़ करना चाहते हैं, जिस पेशेंट कौन सा रेलेवेंट है उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिल सकता है। वी एक्सपेक्ट अराउंड अबाउट 15-20 डॉक्टर्स, वी डोंट ट्राई टू ट्रेन टू मेनी डॉक्टर्स, बिकॉज उनको हैंड्स ऑन देना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, ऐसे स्कूल जैसे नहीं चला सकते हैं इसको, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है हैंड्स ऑन, इसलिए काफ़ी टाइम उनको देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और उनको हमारे प्रिंसिपल बताते हैं। इसके अलावा हम उनको कोर्स कंटेंट भी देते हैं, कोर्स कंटेंट यानी कि घर जाने के बाद में भी क्या पढ़ना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, वो भी हम उनको बताते हैं। Like pain management, even the patients who are suffering from a multiple health problem, like a cardiology problem, a nephrology problem, or any other major problems like a cancer, even they can go through before the surgery this pain management. They can go through the pills and they can take this. या पेन मैनेजमेंट जो आप कहते हैं कि जो हम सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं कि खाली जो पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट है उनको ही करना है, ऐसे कुछ नहीं, जो लोग घर पर रहते उनको भी दर्द रहता है, जो हॉस्पिटल में उनको भी दर्द रहता है, हर तरह के दर्द अलग अलग होते हैं, हर दर्द के लिए ऐसा नहीं कि ऐसे दवाई सोचिए, अगर हार्ट अटैक हो वो दर्द जो है उसके लिए हार्ट का इलाज ही करना है, ऐसा नहीं कि कोई पेन किलर देके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे मल्टीपल प्रॉब्लम, किसी को किडनी का प्रॉब्लम था, किसी को हार्ट का रहता है, कभी किसी को पैरालिसिस हुआ रहता है, उनको भी इलाज होता है क्योंकि दर्द वो भी महसूस करते हैं, उनका भी इलाज करना है। हो सकता है कभी कुछ दवाई में मॉडिफिकेशन करना पड़े, डोज कम दे या ज़्यादा दे या बदल के दवाई दे, ऐसे कुछ हमको और एक तरीके सोचना पड़ता है। नहीं डेफिनेटली इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो दर्द से वो उनको मतलब उनसे जो सहन नहीं जाता दर्द से, तो वो लोग काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि मैं तो खुदकुशी करना चाहता हूँ, इतना लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि जब इलाज कर सकते हैं उसके लिए तो सोचने का बात नहीं, लेकिन सही तरह के इलाज सही तरह का दवाई सही टाइम पे देंगे तो उनका भी हौसला बढ़ता है। तो वैसे हमको सोचना है कि ऐसे नहीं कि हिम्मत हार के हम बैठ गए तो आगे नहीं चल पाएंगे हम। जी मेरा नाम डॉक्टर मुरलीधर जोशी है, मैं डायरेक्टर पेन मैनेजमेंट सेंटर बिरिंची हॉस्पिटल रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स में काम करता रहता हूं मैं। और बिरिंची हॉस्पिटल में आपको पता ही है ये टर्शरी केयर सेंटर है, कहाँ यहाँ पे काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं, काफ़ी लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्निक्स वगैरह है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स काफ़ी कुछ डेवलप हो चुके हैं, और 3 टेस्ला MRI भी है, कैथ लैब है, कार्डियक सर्जरी है, 11 ऑपरेशन थिएटर्स है, नेविगेशन सेंटर्स भी है, और अभी रोबोटिक सर्जरीज भी आने वाले हैं, काफ़ी कुछ आप आगे बढ़ते देखते रहेंगे। खाली इलाज करने के लिए रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ ओरिएंटेड है, काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल चलता रहता है, तो ये एक सुविधा है जो आम आदमी यहाँ इस हॉस्पिटल से यूज़ कर सकते हैं।